नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो ब्लड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी आपके लिए। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है जी, वो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट है। अब अप्लाई करने के लिए बात करें तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। जो इसमें हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार में आपकी पोस्टें ओपन हुई हैं, ये ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड है और रिटर्न एग्जाम फॉर द ट्रेड मैन मेट की पोस्टें हैं, ठीक है जी। इन पोर्टब्लेयर में पोस्टें हैं, इसमें कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड, कि कोई भी आपका इंटरव्यू इसमें नहीं रहने वाला। ट्रेडमैन मेट की पोस्टें हैं जी, ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड पोस्टें हैं। कितनी क्या है जी, नॉन गेस्टेड पोस्टें हैं इसमें ग्रुप सी की। और इसमें पे स्केल जो रहने वाला है आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक पे स्केल रहने वाला है। ट्रेडमैन मेट की पोस्टें हैं जनरल की 43 है, OBC की 32 है, SC की 18 पोस्टें हैं और ST की 8 पोस्टें हैं, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 11। टोटल में 12 आप 112 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। और ये PWD की अलग से हैं, 2 OBC और SC की अलग से अंडमान निकोबार की पोस्टें हैं, जो कि 52 पोस्टें आपकी ITI से रिलेटेड हैं, ठीक है जी, 52 पोस्टें। और इसमें फीस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक्स के लिए रहने वाली है, PWD के लिए रहने वाली है, रिजर्वेशन आपको मिलने वाली है। और इसमें सबसे बड़ी बात, 18 से 25 साल एज मांगी हुई है, ठीक है जी। कोई भी आपकी एज 18 से 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियली क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं पास जरूर मांगिए भी, आपकी बंदे की 10वीं पास होनी जरूरी है। अगर वह 10वीं नहीं है तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी जॉब क्या रहने वाली है, क्या कुछ क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं, ये सारी मेंशन की हुई हैं। और इसी की तरह आपका जो सिलेक्शन है, एक पोस्ट के लिए 25 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और उसके बाद रिटर्न टेस्ट आपका होगा, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल कंप्रेशन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे। अगर कोई टाई अप करता है तो टाई अप के अलग मेथड है जी। डेट ऑफ बर्थ वाले को, ज़्यादा बड़ी उम्र वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी और जिनकी हायर एजुकेशन होगी उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ये सारे का सारा सिलेबस आपको मेंशन कर दिया गया। एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हो ऑनलाइन, 6 अगस्त से आप 6 सितंबर के बीच में कर सकते हो अप्लाई, ठीक है जी। और आपकी ये जो अप्लाई करने का पूरे का पूरा लिंक है, ये आपको गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं कैसे कैसे आप अप्लाई करोगे। और ये आपको फाइल्स के साइज, जो जो बर्थ सर्टिफिकेट कितने का होना चाहिए, एजुकेशन आपकी कितने साइज की होनी चाहिए और एक्स सर्विस मैन हो तो कितने साइज के क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये चीज़ सारी मेंशन की हुई है। और इसके बाद बाकी डिटेल्स देख सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड है ऑलरेडी, ठीक है जी। और इसमें आपको फोटो डिटेल सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई। रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल आपके लिए रिलैक्सेशन रहने वाली है। और लिस्ट ऑफ एलिजिबल ITIs की ट्रेड्स कौन कौन सी हैं, ये सारी ITIs की ट्रेड है, कारपेंटर, कंप्यूटर एंड नेटवर्क हार्डवेयर, 1 साल की आपकी ड्यूरेशन इसमें रहने वाली है, ठीक है जी। इसमें आपकी अलग अलग ट्रेड्स की रिक्रूटमेंट मांगी हुई है, जो मैंने आपको कहा है ऊपर 52 ट्रेड हैं, ठीक है, ट्रेडमैन मेट के लिए 52 ट्रेड्स हैं, जिसमें ITI वाले कितने इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं वो आपको ट्रेड्स बता दी गई हैं इसमें। यहाँ पर डाउन में आकर देख सकते हो लिस्ट ऑफ वेरियस एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, द लिस्ट ऑफ ITI ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई, कौन कौन सी ट्रेड्स के कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं इसमें, वो ये सारे के सारे आप देख सकते हो। वायरमैन, टेलर, सिविल इंजीनियर, असिस्टेंट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा जानकारी के लिए एग्जाम जॉब अलर्ट कर पे विजिट कर सकते हो, इसमें प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। इसमें देख सकते हो इंडियन आर्मी नेवी हेडक्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड की तरफ से आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। 10वीं ITI के साथ मांगी हुई है, 10वीं के साथ ITI मांगी हुई है, 112 पोस्टें हैं और 18,000 से 56,900 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। 6 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 112 पोस्टें जी, कैटेगरी की कितनी पोस्टें सारी मेंशन है। 6 सितंबर तक 18 से 25 साल आपकी एज मांगी हुई है। यहाँ पर सिलेबस भी आपको मेंशन कर दिया गया है।
अब बात करें हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का ये डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड है, इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करना है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन, लॉगिन नहीं फ्री, यहाँ पर आपने स्टार्टअप करना है पहले। ये पोर्ट दोबारा ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। कौन सी रिक्रूटमेंट, क्योंकि मैंने पहले भी एक रिक्रूटमेंट की डिटेल बनाई है, वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अप्लाई लिंक प्रोवाइड है, ऊपर ऊपर आपको मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पर लॉगिन आपने अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ ऑनलाइन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रेडमैन मेट की या अंडमान निकोबार की पोस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको कैसे अप्लाई करना है, एग्री करके एक्सेप्ट कंडीशन भी मैंने ये सारी कंडीशंस पढ़ ली हैं। अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पर करते ही यहाँ पर पॉपअप ओपन हो जाएगा, पॉपअप आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से सारे का सारा फॉर्म ओपन कर लेना है, जिनके पॉपअप ऑन नहीं होंगे तो उनको यहाँ पर नोटिफाई मिल जाएगा, और वहीं नोटिफाई से आपने पॉपअप ऑन करके सारे का सारा फॉर्म यहाँ से फिलअप करना है। एजुकेशन, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, आपका जेंडर क्या है, ठीक है जी, और उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, और मैरिड हो अनमैरिड हो, रिलीजन क्या है, ठीक है, उस हिसाब आधार कार्ड, और जो जो इंफॉर्मेशन फिलअप करोगे उसी हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली तैयार प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर सकते हो नो, पीडब्ल्यूडी हो तो यस करोगे तो पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यहाँ पर डिसेबिलिटी कौन सी है, अगर नो करोगे तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, ठीक है जी, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, सेम एड्रेस है तो सेम कर देना, नेक्स्ट करके अपनी सारी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड, और आपने कंफर्म करके फॉर्म फिलअप कर देना है, फीस पेमेंट कर देनी है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत अच्छी रही है, और आप अप टू डेट रहा कीजिए इस वेबसाइट पर, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सहयोग से हो सकता है किसी कैंडिडेट को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।